हु इज़ अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। इनका प्राथमिक काम भारतीय संविधान को बचाए रखना और उसकी रक्षा करना होता है। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रपति को इन शब्दों में इंट्रोड्यूस करते हैं। अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। ही इज़ द सिम्बॉल ऑफ नेशन। हिज प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सेरेमोनियल डिवाइस ऑन अ सील बाई विच द नेशंस डिसीजंस आर मेड नोन। भले ही राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं, लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स और डिसीजंस वो लेंगे उसे प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी की सहमति होनी चाहिए। हालांकि उनके पास कुछ नॉमिनल पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और विटो पावर्स भी होते हैं जो उन्हें सुप्रीम बनाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं। इनमें से आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशंस और कुछ कंडीशंस की बात करते हैं जिन्हें फुलफिल करने पर एक कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक होने चाहिए। मिनिमम एज मस्ट बी 35 ईयर्स। 35 साल के नीचे आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते। ही इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू लोकसभा, यानी उनकी पात्रता इतनी हो कि वो एक MP के इलेक्शंस के लिए भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि उनका MP होना ज़रूरी नहीं है, बस आप उसके लिए एलिजिबल हो, उसके क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो। कंडीशंस: ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आसान भाषा में कहे तो उन्हें किसी भी प्रकार से कोई सेंट्रल या स्टेट से कोई सैलरी नहीं मिलती हो, वो कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। इसमें स्टेट गवर्नर्स, MPs और वाइस प्रेसिडेंट को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन इनमें से किसी को अगर इलेक्शंस लड़ने हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपीज़ RBI के पास जमा करने होते हैं और इसका अपना एक अलग महत्व होता है। नॉमिनेशंस। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्टर्स कौन होते हैं। इलेक्टर्स मतलब वो लोग जो वोटिंग करेंगे। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोटर्स जो होंगे वो सारे इलेक्टेड MPs और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के MLAs होते हैं। सो होप इट्स क्लियर नाउ। अब इस नॉमिनेशन को समझते हैं। दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से कम 50 प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए जो एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करे, यानी वो इस कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए सही समझते हैं, और बाकी 50 उनके प्रस्ताव को सपोर्ट करने वाले इलेक्टर्स होने चाहिए, तभी उस कैंडिडेट को नॉमिनेटेड समझा जाएगा। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में EVM एंड VVPAT यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इस सिस्टम से वोटिंग किया जाता है। यानी एक तरह से ये वोटिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, बट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ये सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है जो कि एक पेपर पर करी जाती है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर वोटर्स प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, यानी मान लो कि इलेक्शंस के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं A, B, C और D, तो वोटर अपना प्रेफरेंस मार्क कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी द प्रेसिडेंट, सो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, सेकेंड बी को, थर्ड डी को और फोर्थ प्रेफरेंस ए को दूंगा। इसे सिंपल भाषा में कहे तो वोटर्स कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। लाइकवाइज प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, और प्रेफरेंस देने के पीछे वोट काउंटिंग में एक महत्वपूर्ण कारण है जो आगे आपको बताऊंगा। ये इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। अब चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। हमने पहले भी देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटर्स जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि एक MLA, MLA A 200 लोगों को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा MLA B 2000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक व्यक्ति 200 लोगों का नेता है
और दूसरा व्यक्ति 2000। ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ वो MLA है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन दोनों के वोट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। MLA B के वोट की वैल्यू MLA A के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज वो ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ वॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स। फॉर दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वोट्स फॉर एन MLAs एंड MPs। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। वैल्यू ऑफ MLA's वोट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/100। अब यहाँ पर ये नोट करें कि जो स्टेट के पॉपुलेशन ली जाएगी वो आज के डेट की नहीं होगी या फिर लेटेस्ट सेंसस की नहीं होगी। ये पॉपुलेशन होगी 1971 सेंसस की। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर देश में स्ट्रिक्ट कायदे कानून लागू किए गए थे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके। अब इसके कारण कई स्टेट्स में इसे सीरियसली लिया गया और कई सारे प्रोग्राम्स चलाकर अपने स्टेट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। और वही दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में ये पॉपुलेशन बस बढ़ती गई। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से हर इलेक्टेड मेंबर के वोट की कीमत सेम नहीं होगी। अगर कोई स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो उनके MLAs के वोट की वैल्यू तो बिना वजह ही कम हो जाएगी, जबकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा ना हो इसलिए ये पॉपुलेशन जो है वो 1971 सेंसस के हिसाब से ली जाती है। अब वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और इस फॉर्मूला को समझते हैं। मान लो कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 लाख है और वहाँ 10 MLAs की सीटें हैं, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से उस स्टेट के हर MLA के वोट की वैल्यू 100 हो जाएगी, यानी टोटल MLAs के वोट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ऐसे ही हर स्टेट के MLAs के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और टोटल एडिशन किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हर एक स्टेट के MLAs की कैलकुलेटेड वोट वैल्यूज़ देखी जा सकती है। प्लीज़ यहाँ पर ये बात नोट करें कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी जुलाई 2022, तब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया गया है और उनके जो भी MLAs और MPs होंगे उनकी सीटें अभी साल 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान खाली है। इसका मतलब JNK के MLAs और MPs इस साल वोट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं MPs के वोट की वैल्यू की तरफ। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। वैल्यू ऑफ ईच MP's वोट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ MPs। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो भी नंबर आया होगा उसे अभी एट प्रेजेंट कितने MPs है उनसे डिवाइड किया जाता है। ये निकलेगी हर एक MP के वोट की कीमत। अब इसे टोटल MPs से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें MPs के वोट्स की भी टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू MLAs के वैल्यू से कुछ आसपास ही होगी। यहाँ पर फिर से ये नोट करें कि इस दिखाई गई वैल्यू में 2022 के इलेक्शंस में JNK को कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये जो टोटल वोटर्स की वैल्यू है वो साल 2022 के इलेक्शंस में 4896 की जगह 4805 रहेगी। अब आते हैं सबसे मेन फॉर्मूला की तरफ जो है इलेक्ट्रॉल कोटा, यानी वो वैल्यू जिसे जो कैंडिडेट क्रॉस करेगा वो बनेंगे हमारे नए राष्ट्रपति। सो इट गोज लाइक दिस। इलेक्ट्रॉल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2+1। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वैलिड वोट्स कहा गया है, मतलब किसी कारण यदि किसी MLA या MP के वोट को इनवैलिड माना गया तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड टू STR, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रोसेस। हमने देखा कि इस फॉर्मूला के आधार पर एक फिक्स्ड कोटा तय किया गया। अब मान लो कि 100 वैलिड वोटर्स है तो इसका कोटा जो होगा वो इस फॉर्मूला के हिसाब से 51 होगा, यानी जीतने के लिए 51 की मेजोरिटी कैंडिडेट को लानी होगी। जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ को काउंटिंग प्रोसेस के दौरान पहले क्रॉस करेगा उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। अब चलिए इस काउंटिंग प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। नाउ लेट अस टेक 4 कैंडिडेट्स A, B, C एंड D। काउंटिंग के दौरान राउंड 1 में सभी कैंडिडेट्स के फर्स्ट प्रेफरेंसेस को गिना जाता है। इन राउंड 1 काउंटिंग कैंडिडेट्स को इतने फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिले हैं। A को 35, B को 33, C को 22 एंड D को 10। अब यहाँ पर यह देखा जा सकता है
कि किसी भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट्स यानी 51 वोट्स नहीं मिले हैं। अब यहाँ डी को सबसे कम वोट्स मिले हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें इस राउंड से बाहर निकाला जाएगा। और जिन भी बैलेट पेपर्स पर डी को किन्हीं 10 वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफर किया था उसका अगला यानी सेकेंड प्रेफर्ड कैंडिडेट देखा जाता है और ये जो वोट है वो उसके खाते में जाएगा। नाउ इन राउंड सेकेंड डी के ये 10 बैलेट्स नेक्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से डिवाइड होंगे। इसके बाद अब ए के पास 36 वोट्स हो गए यानी एक वोट बढ़ गया। बी के पास 40 हो गए यानी कैंडिडेट बी को डी में से 7 वोटर्स ने डी के बाद नेक्स्ट प्रेफर किया था और सी के पास 24 हो जाएंगे। नाउ इन दिस राउंड सी इज एलिमिनेटेड और उनके बैलेट पेपर्स पर भी नेक्स्ट प्रेफर कैंडिडेट जो होंगे उन्हें वो वोट ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें ये ध्यान दें कि डी के बैलेट पेपर्स में प्रेफरेंसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, उसमें जिनको भी थर्ड प्रेफर किया होगा उसे भी फिर वो ए को हो या फिर बी को उनके खाते में ये वोट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अंत में पता चलता है कि कैंडिडेट बी ने थर्ड या फोर्थ राउंड जितने भी हो मेजॉरिटी हासिल कर ली है और वो घोषित किए जाएंगे हमारे नए राष्ट्रपति। दिस इज़ वॉट वी कॉल सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रोसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्टेड इन इंडिया। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू प्रेजेंट इट इन अ सिंपल वे। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।